before shake color, as you can see here, black, and after, wow, such amazing red chocolate brown hair color. So guys, watch this video till the end. Video ko last tak dekhiyega, hone wala hai ye khoobsurat hair color ka full tutorial. Hi everyone, I'm Dr. Nishita, and look at this. I have never ever done anything with my hair before, and this is for the first time, like my naturally jet black hair, and I wanted to do something really, you know, fun with it and something really, you know, that would just, I wanted like an auburn effect. And look at this woman right here with Hello. Me, Shama. She is possibly, I've been in the best hands that I could be. And I, as luck would have it, I got to know her via her YouTube channel. And I would really suggest everyone to visit her channel once and see all the experimental stuff that she's done. Even if this is not as experimental, it's very, very sophisticated, and that's what I wanted because I'm a doctor. And this is just supreme level happiness for me because this is the exact color and style that I wanted, and she's done that for me happily, very patiently. So I would recommend everybody, if you want to like specifically get your hair colored, she is the one you should be in her hands only and only. And I would never in my life, for me, my family, my friends, for nobody I will ever, you know, even think about going somewhere else. And I'm so happy. I cannot express. Thank you so much. Bye. And please subscribe to my channel, yes, share and like. Like, share, whatever, like explode. Thank you. Bye. Hey guys, once again, welcome to Shyama's Makeover channel. How are you all? So I hope I'm doing great. Kirko achen apnara bhalo. So guys, batana chahti hu ki aaj ke is hair color mein jo main aap logo ko sabse interesting cheez hai, black to रेड एंड चॉकलेट ब्राउन आप हेयर कलर कैसे कर सकते हैं. और आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया है. जी हाँ, टाइटल में अगर आपने पढ़ा है तो क्या पढ़ा? यस, व्हाट डिड यू रीड इन टाइटल? जी हाँ, फॉलियाज ओमरे बालियाज ट्यूटोरियल. एंड लास्टली बताना चाहती हूँ, ब्लैक टू रेड चॉकलेट ब्राउन, बार बार फोकस कीजिएगा इस वर्ड को. तो आज के इस ट्यूटोरियल में ये हेयर कलर को मैंने किया है बालियाज ओमरे हेयर कलर ट्यूटोरियल, जो कि है फुल ट्यूटोरियल. और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी तो समझ में आएगा इस हेयर कलर में मैंने ऐसे कौन से दो शेड्स हैं जो मैंने मिक्स किए हैं और किस टेक्निक से मैंने वर्क किया है. तो मेक श्योर गाइस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आज का ट्यूटोरियल होने वाला है फुल ट्यूटोरियल. सो एज यू कैन सी हेयर, ब्लैक हेयर जो कि इनके बाल हैं नंबर 4. और यहाँ पे मैं सबसे पहला जो कलर है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, 30 वॉल्यूम डेवलपर ले रही हूँ और मेजरल का ही रूश मजिंटा एंड 12.5 जो कि मैं ले रही हूँ 20 वॉल्यूम के साथ. तो मैंने क्या लिया है? जी हाँ, बताना चाहती हूँ गाइस, मैंने लिया 12.5 20 वॉल्यूम के साथ. मिक्सिंग रेशो है 1:2 और सेकेंड कलर है रूश मजिंटा जो कि है 30 वॉल्यूम के साथ. मिक्सिंग रेशो 1:2. सो चलिए शुरू करते हैं. और यहाँ पे सबसे पहले क्राउन सेक्शनिंग किया है, फ्रंट से टॉप ऑफ द हेड से टॉप ऑफ द ईयर सेक्शन को सेपरेट किया है. और बैक साइड से आप देख ही सकते हैं सेक्शन, यहाँ पे दो बोल में, डिफरेंट डिफरेंट बोल में दो कलर को मिक्स किया है, 12.5 जो कि 20 वॉल्यूम के साथ है, मिक्सिंग रेशो 1:2 एंड सेकेंड इन रूश मजिंटा जो कि है मिक्सिंग रेशो 1:2 30 वॉल्यूम के साथ. तो यहाँ पे देखोगे, अगर आप देखते हो तो बाल तो गाइस बहुत ही छोटे छोटे हैं. तो इनका शॉर्ट हेयर है, शी हैज़ अ वेरी शॉर्ट हेयर. तो अगर आप देखोगे शॉर्ट हेयर में किस तरह से मैंने तीन सेक्शन क्लिप से टक किया है और डायगनल बैक सेक्शन ले रही हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ. सो गाइस बताना चाहती हूँ कि जब मैं रेड कलर को यूज़ करूँगी तो रेड, बताइए कौन सा कलर है? जी हाँ, यह है रूश मजेंटा, लॉरियल का ही वन ऑफ द बेस्ट कलर है जो कि बहुत ही कॉन्ट्रास्ट रेड इफेक्ट देता है. यहाँ पे मैं यहाँ पे इनको कर रही हूँ बालियाज. छोटे बालों में यू नो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन शी वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होकर गई थी आफ्टर द कलरिंग. तो यहाँ पे अगर देखोगे इस तरह से आपने बालियाज करना है और नीचे से मैंने फॉइल पेपर को लगा दिया है, फिक्स कर दिया है और उसके ऊपर से इसको शेडिंग दे रही हूँ. सो गाइज अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. बताना चाहती हूँ बार बार मैं एक ही टॉपिक पे बात कर रही हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो आप. इतने छोटे हेयर में ज़रूरी नहीं है कि ग्लोबल करना है, आप और भी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो फॉर गिविंग अमेजिंग रिजल्ट्स. सो गाइज अगर आप देखोगे इस तरह से पेंट के बाद कुछ इस तरह दिखता है बाल, और उसके बाद जब आप वॉश करते हो तो अमेजिंग रिजल्ट आता है. एंड ऑफ द डे
अगर आप देखोगे यू आर गोना बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद योर हेयर कलर। तो इस तरह से ये शॉर्ट हेयर है, तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर दूसरा फॉइल पेपर नहीं लगा रही हूँ, इसी फॉइल पेपर को मैंने टर्न कर दिया। अगर शॉर्ट है, ध्यान रखिएगा, बाल शॉर्ट थे तो मैंने एक ही फॉइल पेपर को टर्न कर दिया। अगर लंबे होते तो इस तरह से आप नहीं फोल्ड कर सकते हो, उसके ऊपर दूसरा ही फॉइल पेपर आपको लगाना होगा। अगर आप देखोगे तो जब तक हेयर नीचे गिरता रहेगा, यू नो इट्स नॉट गोना बी लुकिंग नाइस। तो उससे क्या होगा कि बार बार आपको डिस्टर्ब होगा, दूसरा फॉइल जो है वो भी डिस्टर्ब होगा, दूसरे कलर के ऊपर आ सकते हैं। सेक्शन क्लिप से सेक्शनिंग अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, आप लोग बिगनर्स हैं और मैं आप बिगनर सभी लोगों को इतना अच्छे से सिखाती हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, वो बिगनर्स के लिए ही है। क्योंकि देखिए, एक्सपर्ट तो बहुत है, बट बिगनर्स एंड मेरे स्वीट क्लाइंट्स के लिए हैं, जो कि ये कलर देखते हैं एंड दे कम ऑल द वे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, राइट। सो बताना चाहती हूँ गाइस कि सेकेंड जो कलर है ये है चॉकलेट ब्राउन, जो कि मेरा वन ऑफ माई फेवरेट कलर है, 12.5 विद 20 वॉल्यूम। आजकल थोड़ा ना शॉर्टेज चल रहा है इस कलर का, बैक से ही शॉर्टेज चल रहा है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी से हमने ऑर्डर किया है, जल्दी से आ जाए ये कलर, क्योंकि ये कलर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। दिस इज़ चॉकलेट ब्राउन शेड। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखते हैं इसको मैंने क्या किया, इसको अगेन मैंने फॉइल पेपर को टर्न किया, और जिस तरह से आपने बालियाज किया, उसी तरह से आपने बॉटम में इसको अच्छे से ब्लेंडिंग इफेक्ट देना है। तो गाइस देखिए, ये दिस इज़ नॉट अ ग्लोबल कलर। ग्लोबल में क्या है ना कि वो एक पूरा एक यूनिवर्स कलर लगता है, बट इस कलर में अगर आप देखोगे एक मोर डायमेंशन, आप देख सकते हो यहाँ पे सेमी डायमेंशन। अगर आप देखोगे इस कलर में, इस तरीके से अगर आप बालियाज करते हो, दिस इज़ कॉल्ड वेरी वेरी स्लाइट डायमेंशन। मतलब उसमें डायमेंशन कम नज़र आती है, मतलब उसमें जो ब्लैक जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आएगी। इस तरह से आपने लेफ्ट कंप्लीट करना है, और लेफ्ट में कंप्लीट करने के बाद सेक्शन बाय सेक्शन अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ राइट सेक्शन में एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो गाइस बताना चाहती हूँ, राइट सेक्शन में भी आपने इस तरह से ही पेंटिंग करना है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और हाँ, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई कि यस, वेरी सून आई एम गोना स्टार्ट माय फोर्थ बैच। जी हाँ, ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है जनवरी से, जल्दी से बुक कीजिए अपनी सीट्स। और बताना चाहती हूँ गाइस, अभी मेरी थर्ड बैच कंप्लीट हुआ, सक्सेसफुली कंप्लीटेड माय थर्ड बैच। थर्ड बैच में US एंड लंदन के भी स्टूडेंट्स थे, जिनका अपना खुद का सलोन है लंदन एंड US में। स्टिल दे टेकिंग क्लासेस फ्रॉम मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, उनका वीडियो जाके देखिएगा। और बताना चाहती हूँ गाइस कि मैं बहुत डिटेल्स में समझाती हूँ, जब मैं लाइव आऊँगी, जब मैं ऑनलाइन सिखाती हूँ तो मैं खुद लाइव रहती हूँ, आपके जितने क्वेश्चंस होते हैं, जितनी क्वेरीज होती है, यू कैन फील फ्री टू आस्क। एंड मैं 1 आवर की कंसल्टेशन क्लासेस भी देती हूँ, उसके लिए व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, सो बुक योर सीट राइट नाउ। और यू कैन कॉन्टैक्ट, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9871369576। सो गाइज, यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्रश है उसको डिप करना है, और ब्रश को पूरा भरना नहीं है, वर्टिकल में लेना है ब्रश को। कोशिश कीजिएगा ट्रायंगल ब्रश हो, एक ब्रश मिक्सिंग के लिए होना चाहिए और एक ब्रश जो है वो कलर एप्लीकेशन के लिए होना चाहिए। योर ब्रश हैज़ टू बी नीट एंड क्लीन, उसके ब्रिशेस फैला हुआ नहीं रहना चाहिए, एकदम स्टिफ रहना चाहिए। और ये रहा, थोड़ा सा फ्रेंच स्टाइल में भी कर रही हूँ उसको, मिक्स करके कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, लाइक सम टाइम फ्रेंच बालियाज, सम टाइम बालियाज। तो गाइज, फ्रेंच बालियाज भी जो है एक तरफ से डिफरेंट टेक्निक है, उसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे कि व्हाट इज़ फ्रेंच बालियाज। अगर इंटरेस्टेड है, अगर आप फ्रेंच बालियाज के बारे में भी जानना चाहते हैं, आएंगे 1 आवर क्लासेस। आपको कभी कभी कोई कलर करते हुए या हेयर कट करते हुए कुछ भी टेंशन होता है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं 1 आवर की कंसल्टेशन क्लास भी लेती हूँ, जिसमें सिर्फ मैं आपकी क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ बोर्ड में, अच्छे से थ्योरी के हिसाब से समझाऊंगी, वीडियो के हिसाब से समझाऊंगी, 1 आवर की क्लासेस भी देती हूँ। तो गाइस, इस तरह से लेफ्ट में मैंने कंप्लीट किया, आप देख सकते हो, है ना, बैक का राइट में किया। अब आता है यहाँ पे, जी हाँ, अब आता है फ्रंट सेक्शन। अगर आप देखोगे एक ऑलरेडी पैच रेड कलर का है, दिख रहा है आपको, जी हाँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मोस्टली क्लाइंट को पैच टेस्ट दिखा देती हूँ। तो शी केम टू मी, शी इज़ अ डॉक्टर, एज यू नो कि उन्होंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था शी इज़ अ डॉक्टर। एंड सबसे मेन चीज़ यही रहता है गाइस कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोगों को अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही सटल हेयर कलर कराना होता है, राइट। बट इन दीज डेज तो एवरीबडी इज़ गेटिंग देयर हेयर कलर डन। सो ऐसे सिचुएशन में आई ऑलवेज ट्राई टू गिव पैच टेस्ट, मैं हमेशा पैच टेस्ट देती हूँ। और यहाँ पे ब्लेंडिंग भी कर रही हूँ, अगर आप देखोगे फिंगर के साथ अच्छे से अपने
ब्लेंडिंग करना है, पैचेस दे दो। अगर आपका क्लाइंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है या आप कंफ्यूज हो रहे हो या आपको लगता है कलर आएगा कि नहीं आएगा, इससे ये बेनिफिट रहता है कि अगर डायरेक्ट कलर आ रहा है तो ब्लीच करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जी हाँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ पैचेस देने की। तो ये वो रेड था जो ऑलरेडी आपको दिख रहा था, ठीक है। तो यस, ऑनलाइन क्लासेस में और भी बहुत सारी डिटेल्स में चीज़ें मैं सिखाती हूँ। ये है रूश मजेंटा, तो इसका जो कलर है रूश मजेंटा जो कि लॉरियल में है, 30 वॉल्यूम के साथ लिया है, मिक्स किया है। और अनदर वन एज यू नो दैट जो चॉकलेट ब्राउन है वो 20 वॉल्यूम के साथ किया, क्योंकि वो थोड़ा सा सटल दिखा रही हूँ और रेड थोड़ा सा यू नो विजिबल होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। यस, तो इस तरह से ये एप्लीकेशन क्या आप सेकेंड में क्या करूँगी, इसको फोल्ड नहीं कर रही हूँ। अगर आप देखोगे फोल्ड करने की कोशिश भी करूँगी तो नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने इसको क्या करना है, जी हाँ, मैं इसको अच्छे से ऊपर से एक फॉइल और इसको यू नो फिक्स कर रही हूँ और ऊपर से मैं क्या करूँगी, इसको फोल्ड कर दिया। तो गाइस बताना चाहती हूँ कि जब बाल लंबे होते हैं तो कभी फॉइल को फोल्ड मत कीजिएगा, ये मैं बार बार बता रही हूँ। लंबा लंबा छोड़ देना है आपको फॉइल पेपर। सेकेंड इज़ लाइक दिस इज़ चॉकलेट ब्राउन कलर। एंड आपको और भी वीडियोस देखनी हो हेयर कट से रिलेटेड और बॉब हेयर कट सीखना है आपको, तो आप जाइएगा यूट्यूब में चेक कीजिएगा, टाइप कीजिएगा श्यामाज मेकओवर बॉब हेयर कट या श्यामाज मेकओवर हेयर कलर या श्यामाज मेकओवर मेकअप, तो बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल है जो कि आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ गाइज। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि हाउ डू यू लाइक इट, आपको कैसा लगा ये ट्यूटोरियल और आगे आप क्या सीखना चाहते हो। तो कभी मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ तो उसमें मैं आपके लाइव में लाइव वीडियो में मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। इट्स गोना बी इजी फॉर यू ऑल ऑफ यू, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखना है। जैसे कि लेफ्ट सेक्शन कंप्लीट किया है उस तरह से आपने सेम वे राइट सेक्शन भी कंप्लीट करना है और लास्ट फॉइल जो लगाया था उसको ओपन करके देखना है कि आपने कौन सा कलर डिपॉजिट किया था, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट कलर आपने डिपॉजिट करना है। तो आई ओपन द फॉइल पेपर एंड आई सॉ देर वॉज अ यू नो चॉकलेट ब्राउन कलर, देन दिस वन इज़ गोना बी रेड हेयर कलर। ऑफकोर्स आई एम जस्ट यूजिंग टू हेयर कलर, वन इज़ चॉकलेट एंड वन इज़ रेड, तो इस तरह से दिस वन इज़ अ रेड हेयर कलर। अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी आई एम जस्ट पेंटिंग जस्ट लाइक वेरी सटल एंड यू नो वेरी ब्लेंडिंग पेंटिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज़ आपको ध्यान से देखनी है गाइस। सो इस तरह से रेड किया, रेड के बाद चॉकलेट किया एंड फाइन फाइन सेक्शन लेके आपने पेंट करना है।
फाइनली यहाँ पे सारे वॉलपेपर को मैंने कवर कर दिया है एंड लास्ट वाला मैं ओपन करके देख रही हूँ. वाओ, फाइनली कलर हैज़ कम आउट सच अ वंडरफुली ब्यूटीफुली. एंड आपने इसी तरह से लेना है फॉइल को एंड उस तरह से ओपन करना है आपने. ध्यान से गाइस, सारे फॉइल पेपर को स्टेप बाय स्टेप इस तरह से ओपन करना है और यहीं पर ही कटिंग चेयर में इसको ओपन कर लेना है. एंड एज यू कैन सी, यस, एंड जब ये ओपन हुआ ये कुछ इस तरह से दिख रहा है. एंड इसके बाद आपने शैम्पू करना है, कंडीशनर करना है एंड देन ब्लो ड्राई करना है. एंड एज यू कैन सी सच अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल. जी हाँ गाइज, आई डिड हर हेयर कट ऑल्सो एंड एज यू कैन सी शी लुक्स सो क्यूट विद दिस बैंग्स, फ्रंट बैंग्स. सो गाइज, कैसा लगा आपको ये हेयर कलर? आई होप यू लाइक इट. अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये एफर्ट, मेरी ये मेहनत आप लोगों को कुछ सिखाने की मैंने अगर कोशिश की है, अगर आपको अच्छा लगा मेरा ये सिखाने का तरीका और अगर आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर मेरे चैनल में, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. और हाँ, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके और फर्स्ट ऑप्शन ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल और आज आपने कुछ अगर नया सीखा है तो ज़रूर बताइएगा. अगर आप इंटरेस्टेड हैं हेयर कलर क्लासेस के लिए तो उसके लिए कॉन्टेक्ट कीजिएगा. अगर आप इंटरेस्टेड है इस खूबसूरत हेयर कलर को कराने के लिए तो भी कॉन्टैक्ट कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देखा. मिलते हैं नेक्स्ट एंड अमेजिंग वीडियो के साथ जो कि होने वाला है और भी इंटरेस्टिंग, जो होने वाला है कुछ यूनिक ट्यूटोरियल. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, सी यू वेरी सून. Bye.